जय भवानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल और आज की बड़ी खबर काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट होगी, तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। चैनल पर पहली विजिट किया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस प्रकार की लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। रोज की तरह जान लेते हैं सुविचार संस्कृत में एक श्लोक कहा गया कि अलसस्य कुतो विद्या अविदस्य कुतो धनम, अलसस्य कुतो विद्या अविदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम मित्रस्य कुतः सुखम। अर्थात आलसी व्यक्ति को विद्या नहीं मिल सकती है और विद्याहीन व्यक्ति जो है वो धन नहीं कमा सकता है। धन विहीन व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता है और मित्र विहीन व्यक्ति को सुख कहाँ होता है। तो ये संस्कृत के श्लोक को आत्मसात करते हुए आगे के काम को आसानी से कर सकते हैं। अब रोज की तरह जान लेते हैं इंपॉर्टेंट कुछ करंट अफेयर्स जो आगामी परीक्षा के लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के तौर पर, जरूर याद रखिएगा, नोट डाउन भी कर लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को जो है भारत की ओर से जो है कौन संबोधित करेगा। तो याद रखिएगा, यस जयशंकर करेंगे। वहीं जो है एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का जो आयोजन किया जाएगा किस कंट्री में किया जाएगा, तो याद रखिएगा चीन में किया जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आने वाले समय में कि जो यूएस ओपन 2024 चैंपियंस ट्रॉफी का महिला एकल खिताब आर्याना सबालेंका ने जीता, तो नाम याद रखिएगा। और वहीं भारत पेरिस 2024 पैरालंपिक में कुल कितने मेडल प्राप्त किए, तो याद रखिएगा कुल 29 मेडल जो है भारत ने प्राप्त किए हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज की बड़ी खबर क्या है। सबसे पहले खबर की शुरुआत करें तो मुख्य सेविका की लोकायुक्त की अगली डेट जो सुनवाई होगी वो 11 सितंबर को, की आशा है कि इस डेट को बहुत कुछ स्थिति स्पष्ट हो सकती है। तो मुख्य सेविका लोकों का इंतजार वो समाप्त भी हो सकता है। 11/9/2024 को जो है केस की लिस्टेड है, इसी डेट में जो है बहुत कुछ स्थिति स्पष्ट हो सकती है। जो जानकारी अपडेट में है उससे आपको रूबरू है। इस प्रकार की अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहें, आगे की अपडेट भी आपको चैनल पे दे दी जाएगी क्या कुछ होने को है। बाकी अभी 11 तारीख को सुनवाई है, आशा है कि इस डेट को सुनवाई होने पे स्थिति और स्पष्ट हो जाए और काफ़ी दिन से जो पेंडिंग में है वो समाप्ति की तरफ भी बढ़ते हैं। अगली खबर की तरफ, वहीं अगली खबर है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है नायब तहसीलदार भर्ती को लेकर के और एसडीएम की भर्ती को लेकर के लेखपाल के सभी को यथाशीघ्र भरे। जब इसमें कौन सी भर्ती पर, तो सिंपल तो जो पीसीएस की भर्ती होती है उसका यहां पे जिक्र किया गया है और एक लेखपाल के रिक्त पदों की भर्ती के लिए शीघ्र बात की गई है, जो समथिंग 4,000 से 6,000 पदों के विज्ञापन। तो अभी फिलहाल जो है लेखपाल में एक और है कि जो प्रतिभी छात्रों की मांग है कि लेखपाल को लेकर की सूची जो है जारी की जाए, इसको लेकर के धरना प्रदर्शन अनवरत कर रहे हैं और आज की ही डेट में भी धरना प्रदर्शन जो है करेंगे प्रतियोगी छात्र। और इसमें मांग करेंगे कि जो वेटिंग लिस्ट है इस प्रकार की प्रक्रिया को प्रोसेस में लाए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ताकि उन अभ्यर्थियों का भी भला हो सके जिनको जो है 1-2 नंबर से जो है उनका नहीं हो पाया, क्योंकि सीटें कुछ लोग जो है छोड़ देते हैं तो वो खाली रह जाते, इसी को लेकर के प्रतियोगी छात्र मांग कर रहे हैं। तो प्रतीक्षा सूची को लेकर के जल्द ही जो है निर्णय इस पर भी किया जा सकता है। तो अभी फिलहाल जो यहाँ पे जो बात हो रही है उपजिलाधिकारी तहसीलदार नायब तहसीलदार के, ये सारी भर्ती प्रक्रियाएं जो होती हैं वो पीसीएस के थ्रू फिल की जाती हैं। तो ये नए विज्ञापन को लेकर के जो बात हो रही है, अभी फिलहाल 24 पीसीएस का होंगे, तो इसमें अच्छे खासे पद जो है वो बढ़ेंगे, जिस चीज़ का जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है। तो स्पष्ट तौर पर है कि पीसीएस की भर्ती में ही जो है इन सभी पदों की दावेदारी होती है, तो उसी के थ्रू जो भरा जाएगा और ये भर्ती प्रक्रिया जल्द ही कम्प्लीट होगी। जैसे ही प्रीलिम्स होगा मेन्स को भी लेकर के बहुत ही कम समय के बाद जो है मेन्स भी करा लेगा। 24 की बात हो रही है, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पुलिस और सेना की भर्ती के लिए निशुल्क तैयारी करवाएगी सरकार, बात हो रही केंद्र सरकार जो अब युवाओं को सेना और पुलिस में भर्ती की निशुल्क तैयारी कराएगी। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से होगी, इसके लिए बागपत के छपरौली में पहला दक्षता परीक्षण केंद्र जो है वो भी बनाया जाएगा। वहीं अगली खबर आज के समाचार पत्रों में कि नवनियुक्त लेखपालों को आज से दी जाएगी ट्रेनिंग, नवनियुक्त लेखपालों का प्रशिक्षण करेली तीन प्रकार से जो है अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पे ट्रेनिंग जो है शुरू की जाएगी। वहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के छात्रों का अखिलेश यादव का साथ चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शिक्षक भर्ती को लेकर के हर कोई प्रतियोगी छात्र ये चाह रहा है कि कोई एक मजबूत स्तंभ उनका सहयोग करे, ताकि शिक्षक भर्ती की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट हो सके। क्योंकि ये सभी को पता है कि कई बार के स्टेटमेंट माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा दिया जा चुका है विधानसभा के पटल पर कि शिक्षक भर्ती के समानुपात अनुपात सब बराबर है, तो शिक्षक भर्ती को लेकर के प्रतियोगी छात्रों के मन में आशंका है कि कहीं ना कहीं वो सरकार जो शिक्षक भर्ती को लेट करे और नहीं निकाले। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि सरकार शिक्षक भर्ती को लेकर के विचार कर रही, जैसे ही डाटा कलेक्ट हो जाएगा ये शिक्षक भर्ती यूपी टेट और सुपर टेट के बाद जो है आपको देखने को मिल सके। तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शिक्षक भर्ती जब भी आने को भी वो अपडेट आपको दे दी। अभी फिलहाल कम से कम 5 से 6 महीने की इन सब प्रोसेस में वक्त लगेगा, तभी शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। पदों की संख्या एग्जैक्ट अभी नहीं, लेकिन फिलहाल आपको 30,000 से 35,000 के लगभग पद जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये अभी कम से कम अप्रैल मई तक की प्रोसेस है मिनिमम, तो इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। जब तक टाइम टेबल जारी नहीं होता, कब यूपी टेट हो रहा है, तब तक स्पीक आना जो है वो जल्दबाजी होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
उनहत्तर शिक्षक भर्ती को लेकर के सरकार को थोड़ा सा आराम यहाँ पे मिल चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी हाई कोर्ट के निर्णय को लेकर के। हाई कोर्ट ने नई लिस्ट जारी करने के जो निर्णय दिए थे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अगली इसकी सुनवाई जो कि सितंबर माह में ही होगी, 23 तारीख तक टेंटरी सुनवाई में जो स्पष्ट हो जाएगा कि क्या कुछ होने को। वैसे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के देखा जाए तो सरकार को जो है इससे थोड़ा सा आराम तो मिल ही गया है, लेकिन आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान जो भी निर्णय होंगे उसे तत्काल जो है सरकार को लागू करना पड़ेगा। अब ये किसके पक्ष में फैसला होगा ये सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होगा। अभी फिलहाल जो है 69,000 शिक्षक भर्ती की नई मेरिट लिस्ट बनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो रोक लगा दी। ये सभी को पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश में नए सिरे से लिस्ट तैयार करने को फिलहाल टालने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी और ये आदेश प्रधान न्यायाधीश सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को सामान्य वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। आपको बताते चले कि डीवाई चंद्रचूड़ की द्वारा जी के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा वो निर्णय मील का पत्थर साबित होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई जो होगी वो सबके दिमाग को हिला देगी जैसे इसका निर्णय आएगा। थोड़ा सा इंतजार करते रहिए, बाकी की अपडेट आपको चैनल पर दे दी जाएगी। वहीं अखिलेश यादव का कहना है कि दोहरा खेल न खेले सरकार, सुप्रीम कोर्ट को 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में कहना है अखिलेश यादव का कि दोहरा खेल सरकार जो है न खेले, लेकिन इसमें कहीं से कोई भी न, क्योंकि साक्ष्य के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट में निर्णय होगा, वहां किसी पक्ष या किसी विशेष की बात ही नहीं होती है। वहीं अगली खबर बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी से, आप लोगों के कुछ प्रश्नों को शामिल करके वीडियो को कंप्लीट किया जाएगा। उसमें बात होगी आईटीआई इंस्ट्रक्टर को लेकर के जो रिजल्ट फाइनली जारी होगा। आपको बताते हैं कि ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा जो है एटलीस्ट जो है नवंबर के लास्ट वीक तक जो ये रिजल्ट फाइनल तौर पे देखने को मिल सकता है, अभी फिलहाल नहीं। जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग को लेकर के ये भी बता दें कि ये टाइपिंग जो होगी नवंबर के फर्स्ट वीक तक करा सकता है आयोग। इसके संदर्भ में जो आयोग से ही नोटिस जारी होगी तो कम से कम 1 से 1.5 महीने का भी वक्त इसमें लग सकता है जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग को लेकर के। और अगर तेजी दिखाए तो यूपी ट्रिपल एससी जो इस महीने के लास्ट में इसके संदर्भ में नोटिस भी जारी कर सकता है। वीडियो रिजल्ट को लेकर के आप बताएं तो आज से 2 से 3 दिन के अंदर जो परिणाम जो वो जारी कर देगा यूपी ट्रिपल एससी, क्योंकि इसी हफ्ते में हर हाल में जो परिणाम देखने को मिल जाएगा। बाकी की खबरों के लिए एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल को जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए रहें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस किया, जैसे ही लेटेस्ट अपडेट की वीडियो होगी तभी वो डिलीवर की जाएगी और उसको अपलोड चैनल के माध्यम से किया जाएगा। और आपके प्रश्नों को प्राथमिकता के तौर पर रखते हुए वीडियो को कंप्लीट किया जाता है, इसलिए किसी प्रकार की कोई भी क्वेरीज किसी भी भर्ती प्रक्रियाओं की हो वो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी एएसओ की भर्ती को करे को लेकर के प्रतियोगी छात्रों को एक बार लामबंद होना होगा अपनी बात को रखने के लिए, ताकि जो है एएसओ की नई भर्ती जो है वो जल्द से जल्द देखने को मिले। इसमें आप लोगों को अगर कमेंट सेक्शन के माध्यम से लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो जरूर बात रखिएगा, ताकि उस पर भी एक अच्छी खासी वीडियो जो है अपलोड की जा सके और सभी लोग एक प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं। जितने भी अधिक लोग हैं, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर के आपके प्रश्न जरूर थे, लेकिन उसको इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि अभी उसका इंतजार करिए थोड़ा सा टाइम टेबल आने के बाद। तो इसी के साथ जो इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल।